हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट सेलेस में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है जो पीडीएफ में होता है दोस्तों, उसका जो है देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर जो होता है वो इस तरह से रहता है। आपको अगर इसको वेरीफाई करना था, आप इसको किस तरह से करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा फ्रेंड, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहे। जैसे फ्रेंड देखिए, ये मेरा आधार कार्ड है और यहाँ पे आप देखेंगे क्यूआर कोड के बगल में इस तरह का मार्क यहाँ पे दिया है। इसको आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको फ्रेंड एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो है एडोब एक्रोबेट रीडर। उस वाले रीडर से दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर से आप जो है अपने आधार कार्ड को बिल्कुल इजीली जो है इस तरह से वेरीफाई कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना है आधार की वेबसाइट से, जिस तरह से आप डाउनलोड करते हैं नॉर्मली। आप जो है इसको इस तरह से डाउनलोड करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसको सेव करके रखा है, मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूं। एक मिनट देखिए, हमारे पास एक आधार कार्ड है। अब हम इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहां से देखिए ओपन विथ में गया और यहां से एडोब एक्रोबेट डीसी यही वाला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद ये आपका प्रॉपर काम करेगा। तो मैं जो इसको ओपन विथ पे क्लिक करके एडोब एक्रोबेट पे क्लिक कर देता हूं, जो कि हमारा आधार कार्ड अब इस वाले एप्लीकेशन में ओपन होगा। देखेंगे अब आधार कार्ड है, इसको ओपन करने के लिए इसमें पासवर्ड लगा है, तो पासवर्ड हम इसको ओपन करेंगे। आधार कार्ड का पासवर्ड आपका शुरू का 4 डिजिट नाम होता है और आपका बर्थ का जो ईयर होता है वही इसमें फिल होता है। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, हम जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए अगर आपके इस सॉफ्टवेयर की सारी सेटिंग सही रहेगी ये तो ऑटोमेटिक आपका सिग्नेचर वेरीफाई कर देता है। अगर इनकेस इसमें सारी सेटिंग आपकी नहीं रहती है, तब जो आपको मैनुअली इसको वेरीफाई करना होता है। जैसे मैं इसको नो करता हूं और आप देखेंगे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो है वेरीफाई अभी हो गया है। आप में अगर ये वेरीफाई नहीं होगा तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन होगा, आपको इस पे डबल क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे शो साइनर सर्टिफिकेट, आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए ट्रस्ट का एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे ट्रस्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे सब टिक है, आप में यहाँ पे टिक नहीं होगा, तो आप में जो है एक यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद उसके नीचे तीन और ऑप्शन आ जाएंगे, आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे ओके करेंगे, फिर से यही वाला पेज आएगा, तो आपको बस यहाँ पे वैलिडेट सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जस्ट यहाँ पे बस फिर से आप ओके करेंगे, तो आपका यहाँ पे इस तरह से वेरीफाई सिग्नेचर हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। बस आपको सही से इसमें करना है, क्योंकि मेरा इसमें सेटिंग सही है तो मैं आपको करके दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से अनइंस्टॉल करूंगा, फिर से अपनी सेटिंग को सब छेड़छाड़ करूंगा, तब मुझे काफी टाइम हो जाएगा। बाकी जो मैं ऑप्शन आपको बताया हूँ उस ऑप्शन से आप करेंगे तो आपका बिल्कुल इजीली जो है यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा।